ये तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। बात हो रही है कि कौन कौन से फैक्टर्स वर्केबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि साफ सुथरी से बात यार एग्जाम में आता है इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब आप साइट पर जाकर काम करवाओगे तो ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, मतलब आप खुद इसको प्रैक्टिकली फील करोगे। क्यों फील करोगे? क्योंकि जब भी आप कॉन्क्रीट यूज करते हो तो हो सकता है कभी ना कभी आपके पास प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है कि मान लो हमें किसी पर्पस के लिए कॉन्क्रीट को यूज करना है और वो कम वर्केबल है या ज्यादा वर्केबल है या मीडियम वर्केबल है। सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? मैंने आपको तीन चीजें बताई है कि लेस वर्केबल कंक्रीट कौन सा होता है, मीडियम वर्केबल कंक्रीट कौन सा होता है और हाई वर्केबल कंक्रीट कौन सा होता है। क्योंकि अगर हम वर्केबिलिटी पढ़ते हैं तो हमें तीन टाइप के कंक्रीट पता होने चाहिए कि किसको हम लेस वर्केबल या अनवर्केबल या नॉन वर्केबल बोलेंगे, किसको हम मीडियम वर्केबल बोलेंगे, किसको हम हाई वर्केबल बोलेंगे। तो ये चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात यह है कि अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी, जिसमें हम अपने तीन पॉइंट्स पढ़ चुके थे, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से देखना। अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट है जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करेगा वो है आपका सरफेस या साइज ऑफ एग्रीगेट। देखो, अगर मैं साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करता हूं तो मैं आपसे फाइन एग्रीगेट की भी बात करता हूं और कोर्स एग्रीगेट की भी बात करता हूं। अगर मैं आपसे एग्रीगेट की बात करता हूं तो आपसे फाइन की भी बात करता हूं और कोर्स की भी करता हूं, ठीक है? ऐसी बात नहीं, ठीक है? इस जगह हम थोड़ा कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? फाइन एग्रीगेट क्या है? फाइन एग्रीगेट होता है आपका सैंड, और कोर्स एग्रीगेट क्या है? जिस जो ब्रोकन स्टोन्स, ब्रोकन रॉक होती है जिसकी साइज 4.75 mm से ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है? तो अगर मैं साइज ऑफ एग्रीगेट की बात करूं, मैं आपसे बोलता हूं आपके पास दो एग्रीगेट है, एक की साइज है 20 mm, एक की साइज है 40 mm। आप मुझे ये बताओ कौन से वाले साइज के एग्रीगेट वर्केबल रहेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से ज्यादा मोर वर्केबल क्या है, पहली बात तो मैंने आपको वर्केबल का मतलब बता दिया है कि वर्केबल कॉन्क्रीट आप बोलते किसको, बहुत अच्छे से मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक्स में वर्केबिलिटी की एक डेफिनेशन लिखी हुई रहती है, बट मैंने आपको अलग तरीके से बताया क्या कि कंक्रीट कितनी इंटरनल या कंक्रीट की कितनी एनर्जी या कंक्रीट कितना मेहनत कर रहा है ताकि कंक्रीट में सेग्रीगेशन ना हो, कॉम्पैक्शन हो जाए। हमने अलग अलग वे में वर्केबिलिटी को अच्छे से डिफाइन करा दिया। अब मोर वर्केबल मतलब जितना ज्यादा वर्केबल होगा उतना ज्यादा हमारे लिए इजी टू, जितना ज्यादा कंक्रीट वर्केबल होगा, मान लो लेस वर्केबल है तो हमें दिक्कत आएगी। अगर मैं आपको फिर से शुद्ध भाषा में बोलूं कि लेस वर्केबल और मोर वर्केबल का मतलब क्या है, लेस वर्केबल और मोर वर्केबल का मतलब है, लेस का मतलब क्या है, आपको डिफिकल्टी आएगी किसमें, कंक्रीट को मिक्स करने में, कॉम्पैक्ट करने में, प्लेस करने में, कंक्रीट को मिक्स करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, प्लेस करने में, कॉम्पैक्ट करने में, फिनिशिंग करने में। अगर कोई कंक्रीट आपका लेस वर्केबल है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और वहीं पर अगर आपका कंक्रीट मोर वर्केबल है तो आपको इजी पड़ेगा, आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। किस किस में? मिक्स करने में, उसको हैंडल करने में, ठीक है, उसको आपका ट्रांसपोर्ट करने में, प्लेस करने में, कॉम्पैक्ट करने में आपको आसानी रहेगी। तो भाई साफ सुथरी बात है। मैंने आपसे पूछा भाई एग्रीगेट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, आप मुझको ये बताओ कि अगर दो एग्रीगेट के साइज मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक 20 mm, एक 40 mm, अगर मैं इनको सेम अमाउंट में यूज करूं, अगर मान लो मैं भाई 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट यूज कर रहा हूं, अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट यूज कर रहा हूं और आप मुझको ये बताओ कि 1 क्यूबिक मीटर में अगर मैं 20 mm एग्रीगेट यूज करूं या 40 mm एग्रीगेट यूज करूं, दैट मींस आपको 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट यूज करना है। इस 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट में जो भी इसका वाटर सीमेंट रेशियो है हमने फिक्स कर लिया 0.5। मान लो वाटर सीमेंट रेशियो कितना है आपका 0.5। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडियम वर्केबल, जो मीडियम वर्केबल कंक्रीट होता है, देखो मैंने आपको बाद में थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, जो लेस वर्केबल कंक्रीट होता है, जो लेस वर्केबल कंक्रीट होता है उसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, लेस देन 0.4। जो मीडियम होता है उसे कितना होता है, 0.4 से लेकर 0.55 या 0.6। और जो हाईली वर्केबल कंक्रीट होता है, हाईली वर्केबल कंक्रीट का कितना होता है, मोर देन 0.55। ये मैंने आपको बता दिया था कि वाटर सीमेंट रेशियो सबके फिक्स है कि अगर लेस, अब देखो वापस से घूम कर आ जाओ, लेस वर्केबल मतलब दिक्कतें होंगी किसमें, मिक्सिंग में दिक्कत आएगी, प्लेसिंग में दिक्कत आएगी, कॉम्पैक्शन में दिक्कत आएगी, तो जिसमें दिक्कत आ रही है उसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.4, और जिसमें दिक्कतें नहीं आ रही उसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.5 या 0.4 से लेके 0.5 या मोर देन 0.55। सिंपल सी बात है।
तो भैया मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मुझे बस सिंपल सा बताओ आपके मन में क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझको ये बताओ कि मुझे 1 क्यूबिक मीटर M20, देखो मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूं, 1 क्यूबिक मीटर M20, M20 का मतलब क्या होता है, 1.5 3, 1:1:5:3, हमें M20 का कंक्रीट प्रिपेयर करना है। किसका? 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम में प्रिपेयर करते हैं हम लोग, मास से ज्यादा। आप सोचोगे सर आप यहाँ पे मास भी लिख सकते हैं, हाँ मास भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये प्रोपोर्शंस बाय मास भी होते हैं, बाय वॉल्यूम भी होते हैं। मैंने बोला मुझे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट प्रिपेयर करना बाय यूजिंग ग्रेड M20 हैविंग वाटर सीमेंट रेशियो, हैविंग वाटर सीमेंट रेशियो 0.5। अब आपके पास मैं दो चॉइस देता हूं, आपको कॉन्क्रीट बनाना है, अब आपके पास मैं दो चॉइस देता हूं, या तो आप 20 mm के एग्रीगेट यूज कर लो या 40 mm के, या तो आप 20 mm के एग्रीगेट यूज कर लो या 40 mm के। अब मुझको बताओ कौन ज्यादा वर्केबल होगा, मोर वर्केबल कौन सा कंक्रीट होगा, मोर वर्केबल कौन सा कंक्रीट होगा, जिस कंक्रीट में आप 20 mm के एग्रीगेट यूज कर रहे हो या जिस कंक्रीट में आप 40 mm के एग्रीगेट यूज कर रहे हो, कौन सा वर्केबल होगा। कहने का मतलब यह है, मैं आपसे यह बता रहा हूं, बात कर रहा हूं मैं वर्केबिलिटी की, और कौन से वर्केबिलिटी की, कि भैया वर्केबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वर्केबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो आप मुझको यह बताओ, आप सोच के तो देखो क्या लग रहा है आपको, 20 mm या 40 mm, या अगर आपको 20 mm 40 mm ये लो, 10 mm या 20 mm ये लो, आपको ये फील हो रहा होगा सर 40 mm का एग्रीगेट तो बहुत बड़ा होता है और बहुत कम जगह यूज होता है। बिल्कुल सही बात है, नॉर्मली हमारा आरसीसी कंस्ट्रक्शन में 20 mm तक यूज करते हैं, नॉर्मली हमारा आरसीसी कंस्ट्रक्शन में 20 mm तक यूज करते हैं, 40 mm तक नहीं जाते, ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं होता है तो। चलो कोई बात नहीं, 20 mm छोड़ो, मैंने दो साइड आपको फिर दे दी, 10 mm या 20 mm, बताओ कौन ज्यादा वर्केबल है। और एक चीज कंडीशन है भैया, वाटर सीमेंट रेशियो चेंज नहीं कर सकते हो, वाटर सीमेंट रेशियो चेंज नहीं कर सकते हो, चॉइस नहीं है आपके पास वाटर सीमेंट रेशियो चेंज करने की, वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेंथ पे इफेक्ट कर जाता है, ध्यान रख लेना। वर्केबिलिटी जैसे मैंने आपको क्या बताया, वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज्यादा बढ़ता जाता है उतनी स्ट्रेंथ घटती जाती है, ठीक है, तो आप दोनों केस में चेंज नहीं करोगे। अब मैं आपको कहानी समझा रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर सेम, अगर मुझे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट बनाना है, M20 ग्रेड का 1.3 इसका प्रोपोर्शन होता है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है, और मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तो 10 mm और 20 mm, तो बताओ मोर वर्केबल, मोर वर्केबल का मतलब क्या होता है, वो कॉन्क्रीट जिससे हम इजिली वर्क कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्पेक्शन हो, चाहे वो प्लेसिंग हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो मिक्सिंग हो, हर कुछ हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा जीतेगा, आपको बताएं इनमें से ज्यादा वर्केबल कौन सा होगा, ये वाला 20 mm। भैया देखो बीएमसी रटना एक अलग चीज होती है, बीएमसी समझना एक अलग चीज होती है, आप समझते हुए चलो। जैसे कल मैंने आपको एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बताया था, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आपको देखो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो मोर वर्केबल के लिए कम होना चाहिए, कल का लेक्चर था, ठीक है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात करूं, अब आप बोलोगे सर आपने इन दोनों में से बोला कि इन दोनों में से आपने 20 mm को वर्केबल बोल दिया, सर क्यों, मैं तो रटा हुआ, ऐसा हुआ है कभी तक मैं आपको रटा हुआ, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा क्यों। अगर हम लार्जर साइज का एग्रीगेट लेते हैं 10 mm और 20 mm में, बड़ा साइज कौन सा है, 20 mm, अगर आप दो साइज आपके पास अवेलेबल है, अगर आप लार्जर साइज का एग्रीगेट ले लो तो आपका कॉन्क्रीट ज्यादा वर्केबल होता है, अगर आप कम साइज का एग्रीगेट ले रहे हो तो आपका कंक्रीट कम वर्केबल होगा, मतलब दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो सेम है तो, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल डिजाइन स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, हर एक जो भी इसकी स्ट्रेंथ है ये उस पर डिपेंड करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो को चेंज करना गड़बड़ करना मतलब आप कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को बिगाड़ रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो आगे की बात चालू करते हैं, ये तो आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी। एक टर्म होती है सरफेस एरिया, एक टर्म होती है सरफेस एरिया। अगर मैं आपसे पूछूं सरफेस एरिया क्या होता है, भाई ये एक डस्टर है, इस डस्टर का सरफेस एरिया कितना है, ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ये डस्टर है, इस डस्टर का सरफेस एरिया ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सरफेस एरिया है, ठीक है भैया सरफेस एरिया है। अगर इसी डस्टर को ये मान लो 20 mm का एग्रीगेट है, ठीक है भाई, मानते हो ये, मानते हो सरफेस एरिया, देखो अब इस डस्टर का सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये ये ये, ये एक दो तीन चार पांच छह फेसेस है, तो छह सरफेस,
छह फेस का एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया हो जाता है। ये मान लो 20 mm का एरिया है। अगर अब मैं इस एग्रीगेट को तोड़ दूंगा, मान लो 20 mm का एग्रीगेट तोड़ के मैंने 10-10 mm का कर दिया, अभी आपके पास 10-10 mm के दो आ गए, अभी आपके पास 10-10 mm के दो आ गए, दोनों में डिफरेंस क्या है? इस वाले फेस में आप समझ रहे हो, अब ध्यान से सुनना, जब ये 20 mm का था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जैसे ही मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ दूंगा, तो ये एरिया, मान लो ये जो एरिया था, ये तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट आपको लगता नहीं बीच वाला एरिया बढ़ गया? आपको लगता नहीं ये बीच वाला एरिया बढ़ गया? बड़ा या नहीं बड़ा? आप उसको एक बात बताओ, जो लार्जर एग्रीगेट था उसमें कितना फेस था? एक, एक ये हो गया, ये मान लो 20 mm का एग्रीगेट है, 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 5 और 6, और जैसे मैंने इनको दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो क्या हुआ, ये एडिशनल एरिया आ गया। आया नहीं आया? आया नहीं आया? हाँ सर आ गया। अब एडिशनल एरिया दैट मीन जब आपने, आप बोल सकते हो सरफेस एरिया, साफ साफ बोल सकते हो आप सरफेस एरिया ऑफ लार्जर एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर एग्रीगेट इज लेस इन कंपैरिजन टू, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर एग्रीगेट इज लेस इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर एग्रीगेट्स, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर एग्रीगेट्स। भाई मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, अगर 20 mm के एग्रीगेट को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको वर्केबिलिटी के लिए क्या चाहिए? अगर देखो, ये ध्यान रखना, सरफेस एरिया ऑफ लार्जर एग्रीगेट इज लेस इन कंपैरिजन टू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर एग्रीगेट्स। समझो मेरी बात, आप समझ रहे होंगे? ठीक है यार, एक चीज बताओ, ये 20 mm का एग्रीगेट है, इनके सम्मान से 20 mm का एग्रीगेट है, अगर मैं इसको दो पार्ट में तोड़ दूंगा, इसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, जो वॉल्यूम इसका अभी है वही वॉल्यूम इसका चेंज होगा। आप एक चीज ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा था, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट, तो इस 1 क्यूबिक मीटर में अगर मैं इस 20 mm को तोड़ के 10-10 mm के भी कर देता हूं, तो इनके वॉल्यूम तो सेम रहेंगे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा ना, वॉल्यूम सेम रहेगा। हाँ बट डिफरेंस क्या आएगा, सरफेस एरिया बढ़ गया आपका, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो अगर सरफेस एरिया ऑफ लार्जर एग्रीगेट आपका कम होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉलर एग्रीगेट, तो ध्यान रखना आप एग्रीगेट को किससे कोट करते हो, एग्रीगेट किससे कोट होना चाहिए ताकि एक दूसरे से सब चिपक जाए, सीमेंट पेस्ट से? भाई एग्रीगेट, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में नहीं आता है, एग्रीगेट को आपको हर तरफ से कवर करना किससे पड़ता है, सीमेंट पेस्ट से, ताकि एक दूसरे से वो अटैच हो जाए, चिपक जाए। या आप ये बोल सकते हो कि जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनका गैप कौन भरता है, फाइन एग्रीगेट जिसको हम सैंड बोलते हैं, और सैंड का गैप कौन भरता है, सीमेंट भरता है। और इसलिए जो जो भी एग्रीगेट्स होते हैं, चाहे वो सैंड हो चाहे वो आपका कोर्स एग्रीगेट हो, ये पूरे के पूरे एग्रीगेट किससे कोट होने चाहिए, कोट मतलब कवर, कवर हो जाना चाहिए किससे, सीमेंट पेस्ट से। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं ध्यान से देखना, जब इसको मुझे कोट करना था तो मैंने इसको कोट सीमेंट पेस्ट से, मान लो कोर्स एग्रीगेट है, इसको मैंने सीमेंट पेस्ट से कोट कर दिया, इसको मैंने सीमेंट पेस्ट से कोट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब एक चीज बताओ, जब मुझे इस 20 mm के एग्रीगेट को कोट करना है और जब मैं इसको 10-10 में तोड़ दूंगा, तो आपको लगता नहीं है कि यार ये तो हो गई सी, साथ में ये दो चीज और बढ़ गई, जैसे ही आपने 20 mm के एग्रीगेट तोड़ा आपका सरफेस एरिया बढ़ गया, अब आपको इसको भी कोट करना पड़ेगा, आपको इसको भी कोट करना पड़ेगा। तो जब क्या था, जब 20 mm में जब आप कोट कर रहे थे सीमेंट पेस्ट से, इसको पूरा कवर कर रहे थे, तो 6 faces थे, और जैसे आपने 10-20 mm का तोड़ के 10 mm में कर दिया, अब आपके 2 faces एक्स्ट्रा और आ गए। तो कहने का मतलब ये है, फॉर वर्केबिलिटी, ध्यान से सुनना, फॉर वर्केबिलिटी एग्रीगेट्स, कह रहे आवाज का सही से वेट करो, ठीक है ध्यान से देखना, मैंने आपको बता दिया सरफेस एरिया ऑफ लार्जर एग्रीगेट इज लेस इन कंपैरिजन टू सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर एग्रीगेट। इस चीज के साथ एक लाइन और लिख लो, क्या, फॉर सेम यूनिट वॉल्यूम, अगर मान लो 1 क्यूबिक मीटर में अगर मैं एग्रीगेट यूज कर रहा हूं, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, ये सेम वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, सेम वॉल्यूम में अगर मान लो 1 क्यूबिक मीटर का मान लो आपका एग्रीगेट है, उसमें जो लार्जर एग्रीगेट का सरफेस एरिया होगा वो स्मॉलर एग्रीगेट से कम होगा, सेम वॉल्यूम के लिए, अलग अलग वॉल्यूम के लिए नहीं बोल रहा मैं, फॉर सेम वॉल्यूम, इसको सेम वॉल्यूम जरूर लिख लो, फॉर सेम वॉल्यूम। नाउ फॉर वर्केबिलिटी, फॉर
वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो सीमेंट पेस्ट से कवर होने चाहिए। नाउ फॉर वर्केबिलिटी द एंटायर सरफेस ऑफ एग्रीगेट शुड बी नाउ फॉर वर्केबिलिटी द एंटायर सरफेस ऑफ एग्रीगेट शुड बी कोट और कवर बाय सीमेंट पेस्ट। सिंपल सी बात है। एग्रीगेट्स अगर आप चाहते हो कि आपकी वर्केबिलिटी अच्छी हो तो जितने भी एग्रीगेट है चाहे वो सैंड हो चाहे वो आपका कोर्स एग्रीगेट हो उन सबको सीमेंट पेस्ट कवर करता है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि अगर आपको वर्केबिलिटी फॉर गुड वर्केबिलिटी या फिर फॉर बेटर वर्केबिलिटी लिखो उसको फॉर बेटर वर्केबिलिटी। बेटर मतलब काम में आसानी, लेस वर्केबिलिटी काम में मुश्किल। बेटर वर्केबिलिटी मतलब काम में आसानी, लेस वर्केबिलिटी काम में मुश्किल। ठीक है, द एंटायर सरफेस ऑफ द एग्रीगेट शुड बी कोट और कवर्ड बाय द सीमेंट पेस्ट बट फॉर द सेम वॉल्यूम अब मैं तो दे रहा हूं कि अगर सेम वॉल्यूम में आप बड़े एग्रीगेट की जगह छोटे एग्रीगेट यूज कर लोगे तो सीमेंट पेस्ट भी तो ज्यादा लगेगा। जब ये 20 mm का था तो हमें इसको कवर करना था, इसको कवर करना था, इसको कवर करना था, इसको कवर करना था। ठीक है, बट जैसे ही आपने इसको तोड़ के दो छोटे में कर दिया, अब आपको इसको और इसको भी कवर करना पड़ेगा। बाकी तो सब कवर्ड है, आपको इसको और इसको भी कवर करना पड़ेगा, तो सीमेंट पेस्ट आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। नाउ बट फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, सीमेंट पेस्ट रिक्वायरमेंट is more in comparison to lesser size aggregate bigger size aggregate। आपको समझ में नहीं आया मैं ना क्या लिखा मैं बता देता हूं कि सेम वॉल्यूम है एग्रीगेट का तो जो स्मॉलर साइज एग्रीगेट है ना उसमें सीमेंट पेस्ट ज्यादा लगता है इन कंपेरिजन टू बिगर साइज एग्रीगेट। अब सीमेंट पेस्ट ज्यादा लगेगा नाउ इफ सीमेंट पेस्ट रिक्वायरमेंट भैया बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला कि सीमेंट पेस्ट अगर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी स्मॉलर एग्रीगेट्स के लिए तो पानी भी तो बढ़ेगा नाउ इफ सीमेंट पेस्ट रिक्वायरमेंट इज मोर सो It also needs water. पानी भी तो चाहिए भाई, सीमेंट पेस्ट ज्यादा चाहिए तो सीमेंट को चिपकाओ किससे? सीमेंट का हाइड्रेशन किससे होगा? पानी के साथ ही तो होगा। आपको ज्यादा सीमेंट चाहिए तो उसके लिए पानी भी तो चाहिए। और सबसे पहले बात मैंने आपसे पता है क्या बोली थी कि वॉटर सीमेंट रेशियो को आप चेंज नहीं कर सकते हो। वॉटर सीमेंट रेशियो को चेंज नहीं कर सकते हो तो कैसे चेंज करोगे? सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या लिखी थी कि वाटर सीमेंट रेशियो को चेंज नहीं करना। वाटर सीमेंट रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेंथ पे अफेक्ट करती है, हम स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं कर सकते तो वाटर सीमेंट रेशियो तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो जब आप वाटर सीमेंट चेंज नहीं कर सकते हो तो ज्यादा पानी लाओगे कहां से भैया? अगर स्मॉलर साइज एग्रीगेट आपको सेम वाटर भाई आपको 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट बनाना था, इसका वाटर सीमेंट रेशियो कितना था? 0.5। आपको सीमेंट पेस्ट चाहिए, सीमेंट पेस्ट के लिए आपको पानी भी चाहिए होगा, बट पानी तो आप ज्यादा ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 रखना है, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो को चेंज करोगे स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, तो वाटर सीमेंट रेशियो हम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो को हम चेंज नहीं कर सकते, सो फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो सो फॉर सेम द अब देखो बड़े साइज के एग्रीगेट अगर हम यूज करते हैं, अगर बड़े साइज के एग्रीगेट हम लोग यूज करते तो सीमेंट पेस्ट ठीक था। जैसे छोटे साइज कर दोगे तो ज्यादा सीमेंट चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा पानी चाहिए, बट भाई साहब ये चेंज तो मैं कर ही नहीं सकता, ये चेंज नहीं कर सकता तो क्या होगा? स्मॉलर एग्रीगेट्स में क्या होगा? आपको सीमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, पानी एक्स्ट्रा चाहिए, और ये आप चेंज कर नहीं सकते हो। तो इसलिए अगर आपने बड़े एग्रीगेट्स की जगह स्मॉलर एग्रीगेट यूज कर लिए तो वो हर जगह से कोट नहीं हो पाएगा, और अगर वो हर जगह से कोट नहीं हो पाएगा ना, दैट मीन्स अगर स्मॉलर एग्रीगेट में या तो आप सीमेंट और वाटर बढ़ाओ
और आप नहीं बढ़ा सकते हो, आप नहीं चेंज कर सकते हो, तो फिर आपका जो स्मॉलर एग्रीगेट है वो ढंग से कोट ही नहीं हो पाएंगे सीमेंट पेस्ट से। सो फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो अगर एग्रीगेट्स आपके कोट या कवर नहीं हो पाएंगे सीमेंट पेस्ट से तो वो अच्छा वर्केबिलिटी नहीं देगा। सिंपल सी बात है। सो फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो बिगर साइज एग्रीगेट्स आर मोर वर्केबल इन कंपेरिजन टू स्मॉलर साइज एग्रीगेट्स। साफ सुथरी सी बात है, लिखो इसको पूरा का पूरा। भाई साहब ये ध्यान रखना, कन्वेंशन में आती चीजें वो साफ सा बोल देगा। एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वापस साफ सा बोल देगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो मैं इतना आपको लेंदी करके पढ़ा रहा हूं। इतना कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि ये कन्वेंशनल में आएगा। कन्वेंशनल में अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहा तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज, ये मैंने किसी बुक से कॉपी पेस्ट, बताओ मुझे किस बुक से कॉपी पेस्ट है, दिखाना मुझे किस बुक से मैंने कॉपी कराई है। आप मेरी थ्योरी मुझे बताना किस बुक से कॉपी करी है, मैं कभी कॉपी नहीं करता किसी बुक की थ्योरी, मैं अपनी लैंग्वेज लिखता हूं। मुझे बस कॉन्सेप्ट चाहिए होता है और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको अपना लिखना है, चाहे आप डिप्लोमा के हो चाहे आप बीटेक के हो। आप ओनली कॉन्सेप्ट को याद रखो, कॉन्सेप्ट के बाद अपनी लैंग्वेज बना के लिखो, कोई आपके नंबर नहीं काट सकता है, है ना। लिखो इसको अभी, ठीक है आपने लिख लिया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है, अब जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है आपका, शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट। अगर मैं शेप ऑफ एग्रीगेट की बात आपसे पूछूं, सिंपल सी बात है, क्या शेप ऑफ एग्रीगेट भी कंसीडर, क्या शेप ऑफ एग्रीगेट भी फैक्टर है वर्केबिलिटी में, क्या शेप मैटर करता है वर्केबिलिटी में? अगर आपको कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इंप्रूव करना है तो किस शेप का एग्रीगेट आप यूज कर सकते हो? एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं, एग्रीगेट का मतलब होता है कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट में क्या होता है आपका, सैंड। चलो तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, अभी तो मैंने आपको साइज बताई, बड़ा साइज छोटा साइज, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मुझे बताओ जरा शेप ऑफ एग्रीगेट भी वर्केबिलिटी पे मैटर करती है, क्या इफेक्ट करती है, आप बोलोगे बिल्कुल करती है। अब मैं पूछूंगा कैसे करती है तो आप सोचोगे भाई कैसे करती है। इसी के साथ मेरा एक नया क्वेश्चन भी निकल के आता है। क्या क्वेश्चन है, वाई रिवर सैंड इज कंसिडर्ड, अगर आपको ये फैक्टर नहीं पता तो ये क्वेश्चन पता नहीं पता रहेगा, वाई रिवर सैंड इज कंसिडर्ड गुड फॉर कॉन्क्रीट। मैंने आपसे बोला है कि जो नदी जो रिवर होती है उसमें से जो सैंड निकलती है ना वो कॉन्क्रीट की अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है भैया, क्यों मानी जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि नदी में से जो सैंड निकलती है वो कॉन्क्रीट के लिए अच्छी मानी जाती है, कि आप इस रिवर को, आप इस सैंड को, रिवर में से जो सैंड निकल रही है आप उसको कॉन्क्रीट में यूज करो, आपकी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। साफ सुथरी बात बताता हूं मैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वाई रिवर सैंड इज कंसिडर्ड गुड फॉर कॉन्क्रीट, क्यों? आंसर बताओ क्यों, इसका आंसर बताओ क्वेश्चन में क्यों? बिकॉज रिवर सैंड इंप्रूव्स वर्केबिलिटी। साफ सुथरा आंसर है भाई, रिवर सैंड क्यों यूज करते हैं कंक्रीट में? सिंपल सी बात है, रिवर सैंड वर्केबिलिटी को इंप्रूव करती है, बट क्यों करती है वो मेरा आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों करती है, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों करती है तो मुझे एक चीज बताओ, राउंड फ्लैकी एंगुलर, तीन शेप लिखी मैंने आपके सामने, इन तीनों में से एक आंसर है इसका। डज शेप ऑफ एग्रीगेट अफेक्ट्स द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट? ऑब्वियसली यस।
ऑब्वियसली यस, देयरफॉर रिवर सैंड इज कंसीडर्ड एज गुड फॉर कंक्रीट, क्योंकि रिवर सैंड इंप्रूव करती है वर्कबिलिटी. क्यों? क्योंकि रिवर सैंड क्या होती है? राउंड होती है. क्योंकि रिवर सैंड क्यों होती है? राउंड होती है. सिंपल, रिवर सैंड राउंड होती है इसलिए वर्केबल है. क्यों वर्केबल? बिकॉज बिकॉज शेप आ गया ना राउंड. फ्लैगी मतलब थोड़ा सा लंबा, एंगुलर मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा. ठीक है, राउंड कैसा होता है आपका? ठीक है, तीन शेप में नॉर्मल शेप फ्लैगी, या हम एग्रीगेट से पढ़ेंगे फ्लैगी एग्रीगेट कौन से होते हैं, एलोंगेटेड कौन से होते हैं, एलोंगेटेड एंड फ्लैगी. अभी तो मैंने आपको नॉर्मली से बना के दिखा दिया, कोई बात नहीं. ये तीन शेप आपको समझ आ रही है? एंगुलर भाई तिकोना टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तीनों अलग अलग शेप है, ये क्या है? डिफरेंट शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, एक देखो इस तरीके से, एक इस तरीके से. तो क्या शेप ऑफ एग्रीगेट से मैटर करती है वर्किबिलिटी? भाई साहब बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है. बताऊं कैसे? क्यों? बिकॉज राउंड एग्रीगेट्स हैज लेस सरफेस एरिया. अभी जस्ट पहले वाला पॉइंट मैंने आपसे क्या बताया था, सारी कहानी सरफेस एरिया की. जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही सीमेंट ज्यादा चाहिए, उतना ही पानी ज्यादा चाहिए. जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही आपको सीमेंट पेस्ट चाहिए होगा उस एग्रीगेट को कवर करने के लिए या उसको कोट करने के लिए. राउंड एग्रीगेट आपको सिंपल सा बता, राउंड एग्रीगेट का जो सरफेस एरिया होता है वो एलोंगेटेड या एंगुलर से कम होता है. राउंड एग्रीगेट हैज लेस सरफेस एरिया इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू, इन कंपेरिजन टू एलोंगेटेड एंड एंगुलर एग्रीगेट्स. और इसका सरफेस एरिया कम होता है इसलिए फ्रिक्शन भी कम होता है, एंड फ्रिक्शन is also less in rounded aggregates. भाई एक चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना. एग्रीगेट एग्रीगेट के जितना पास आएगा उतनी ज्यादा आपकी डेंसिटी होती है. कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? कि वॉइड्स रिमूव होने चाहिए. कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? कि जो एयर है, जो गैप्स में एयर भरी भरी हुई है वो आपकी रिमूव होनी चाहिए. अब मान लो अगर आपका फ्रिक्शन है, मतलब ये दो एग्रीगेट है इनके बीच में एयर नहीं आनी चाहिए. अब मान लो ये दो एग्रीगेट हैं, अगर इन दोनों में फ्रिक्शन डेवलप होगा तो ये बड़ी मुश्किल से पास पास आएंगे, ये बड़ी मुश्किल से पास पास आएंगे, है ना. बट वहीं पर हमारे राउंडेड में क्या होता है? फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है, तो ये इजिली पास आ जाते हैं. इजिली पास आ जाते हैं तो आसानी से कॉम्पैक्ट हो गया, और जो आसानी से कॉम्पैक्ट हो गया, अरे जो आसानी से कॉम्पैक्ट हो गया वो तो वर्केबल हुआ ना. वर्केबिलिटी की तो डेफिनेशन ही यही है, सब कुछ काम आसानी से होना चाहिए, चाहे वो कॉम्पैक्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो प्लेसिंग हो, जो भी हो, मिक्सिंग हो, सब कुछ आसानी से होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, राउंड एग्रीगेट में एक तो सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा तो सीमेंट कम लगेगा, सीमेंट कम लगेगा तो वाटर कम लगेगा, और वाटर जितना कम यूज हो उतना स्ट्रेंथ के लिए अच्छा, वाटर जितना कम यूज होगा उतना ही स्ट्रेंथ के लिए अच्छा. तो साफ सुथरी सी बात, इसमें तो कुछ बताने वाली बात थी नहीं. ठीक है, तो सिंपल आप लिख लो, बिकॉज राउंड एग्रीगेट हैज लेस सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू एलोंगेटेड एंड एंगुलर एग्रीगेट्स एंड फ्रिक्शन इज ऑल्सो लेस इन राउंड एग्रीगेट, सो वॉटर रिक्वायरमेंट एंड सीमेंट रिक्वायरमेंट is less, so water requirement and cement requirement is less in rounded aggregates and therefore it is more workable in comparison to other shapes for same volume. ये same volume आप हमेशा लिख लिया करो, मैं हमेशा same volume याद करूँ. लिखो इसको, अभी तो और भी है. अभी तो देखो मैं आपको चीज बताता हूँ,
इन फैक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे, इन फैक्टर्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जिससे वर्केबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो। इसका हम कौन सा पॉइंट है हमारा 4। अब मैं फिफ्थ पॉइंट चालू करता हूं अपना, लिख लो इसको।